आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, आपने उसको बचाया। क्या आप डर रहे हो, क्या आप डर रहे हो? इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? इंक्वायरी कैडी करेगी, कैडी करेगी, अदरवाइज विड्रॉ इट। दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस। फॉल्स एलिगेशन वी विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग। अदरवाइज मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा, आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट, स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट कि 2005 में भी सिमिलर नहीं लगता है कि और 11 की बजाय 12 में सारा कुछ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? मेरा ये है, गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कराओ उस आदमी की, शुरू से क्या किया। लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसका, हाउस की गरिमा ये है कि आप नहीं वापिस ले या डिलीट करो इनको, दोनों पर्सनल एजुकेशन नहीं। आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो? नेताजी मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा तमाशा मत करो। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जल्दी हमारी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ द हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि बार बार इस पे हंगामा करें। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स, आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन ले सर, मेरी बात सुन ली आप? मैं कहता हूँ अपनी चोटी वो इंक्वायरी ऑफिसर लेगा, वो मेरा काम। ऑफ दिस हाउस किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना, इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस। हरियाणा विधानसभा सेशन की सुबह की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सबसे बड़ी बात इन तस्वीरों से जो निकल कर आ रही है वो ये, विपक्ष के नेता और कांग्रेस के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरह से आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। ये पहला मौका था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी सरकार के वक्त में शिक्षा मंत्री रही और मौजूदा विधायक गीता भुक्कल की जाँच से इतने घबराए हुए थे कि दुष्यंत चौटाला और गीता भुक्कल के बीच जो वाद विवाद हुआ है, जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उनकी जाँच किसी सिटिंग जज से करवाई जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस जांच का पुरजोर विरोध किया, लेकिन स्पीकर महोदय ने साफ कर दिया कि ये हाउस का फैसला था, जांच होनी ही चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि ये जांच किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में रुके, इसे रोका जाए, और इस पर उन्होंने कई तर्क भी दिए, लेकिन तमाम तर्कों को नज़रअंदाज किया गया और दुष्यंत चौटाला ने खड़े होकर कहा कि वो अपने उस बयान पर आज भी स्टैंड करते हैं, यानी कि उस बयान पर आज भी कायम है। सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर भी खड़े हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष के नेता क्यों चाहते हैं कि जांच नहीं हो। कुल मिलाकर सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गीता भुक्कल के बीच जो हॉट टॉक हुई थी उसका मुद्दा आज भी गरमाया, और इसी मुद्दे में रामकुमार गौतम भी कूदे। उन्होंने अपना तर्क दिया, उन्होंने कहा कि अपनी चोटी किसी जज के हाथ में ना दी जाए तो बेहतर होगा। दरअसल कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि अगर सीटिंग जज से इस मामले की जांच होती है और कोई भी चीज या साक्ष्य गीता भुक्कल के खिलाफ जाते हैं तो फिर सीधी सीधी आंच कांग्रेस पर आएगी और पूरी कांग्रेस इससे प्रभावित होती है। चुनावी समय है, अगले साल चुनाव होने हैं, और अगर जांच उनके खिलाफ आती है तो ये तय मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन उस वक्त की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर होगा। अगर जांच में ये निकल कर आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस वक्त सरकार थी उस वक्त उसी उचाना के टीचर को, अध्यापक को बचाने की कोशिश हुई थी, तो ये फिर मान लीजिए कि बहुत बड़ा एलिगेशन होगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि इस मामले की जाँच हो, लेकिन कांग्रेस अपने ही बुने जाल में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल गीता भुक्कल को कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी कि उचाना के हेडमास्टर का मामला दुष्यंत चौटाला से जोड़कर पेश करती, लेकिन वो ये गलती कर गई। और जब ये गलती हुई तो दुष्यंत चौटाला ने भी तुरंत तीर छोड़े, और तीर जब छोड़े तो उधर से भी रेसिप्रोकेट किया गया, और कल तक जो गीता भुक्कल दुष्यंत चौटाला को बंदा बनाने की नसीहत दे रही थी उनका अंदाज आज बदला हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी को फायदा है। बीजेपी को फायदा इसलिए है क्योंकि ये दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के नेता गीता भुक्कल के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई में बीजेपी का कम से कम कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बीच में खड़े होकर ये कहना पड़ा कि इस मामले की जांच तो सिटिंग जज से होनी ही चाहिए, और चूंकि विधानसभा में इस बात का फैसला हो चुका है, निर्णय लिया जा चुका है कि मामले की जांच सिटिंग जज से करवाई जाएगी, तो इस फैसले से वो पीछे नहीं हट सकते हैं।
नटसल में आपको एक बार फिर से ये पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल उचाना विधानसभा हलके के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक पर लड़कियों से यौन शोषण के आरोप लगे थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और अध्यापक को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन इस पर कांग्रेस राजनीति कर रही थी। उन्होंने इस पूरे मामले को दुष्यंत चौटाला के हलके से जोड़ा, उनसे सीधी कनेक्टिविटी करने की कोशिश की, लेकिन इस पर दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि इसी अध्यापक पर 2005 और 2011 में भी आरोप लगे, DDR दर्ज हुई और उन्होंने ये भी कहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के यहाँ पर एक पंचायत हुई और उस पंचायत में ये फैसला हुआ, यानी कि उस पंचायत में आरोपी की पैरोकारी की गई और उसको बचा लिया गया। हालांकि आज उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया और उन्होंने कहा कि 2011 की बजाय ये मामला 2012 का था। कुल मिलाकर पिछली सभा में जिस वक्त ये बहस चल रही थी तो बहस इतनी बढ़ी कि मामले की जांच कराने की नौबत आ गई। मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन जल्दी ही वही कांग्रेस इस मामले पर पानी डालती हुई नजर आई, जो दो दिन पहले तक कड़े तेवर दिखा रही थी। उनके तेवर ठंडे पड़ चुके थे और तेवर ठंडे इस कदर पड़े कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी बेबस नजर आए। इस मामले में आगे जो भी डेवलपमेंट होंगी वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो, क्या आप डर रहे हो, इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? उसमें क्या दिक्कत है? मेरा ये है, गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कराओ उस आदमी की, शुरू से क्या किया, लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसका, हाउस की गरिमा ये है, ये आप नहीं और कहीं इशारा किया जा रहा है कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं, या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जल्दी हमारी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ द हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि बार बार इस पे हंगामा करें। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स, आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, देखिए अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी सुन ले सर, मेरी बात सुन ली आप, मैं कहता हूँ अपनी चोटी वो इंक्वायरी ऑफिसर लेगा, वो मेरा काम है, किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना, इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस।